Hey guys, this is Pranesh Rawat and I'm back with my another video. So guys, इस वाली वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ एक ट्रैवल, एक इमरजेंसी ट्रैवल जिसमें मैं यूपी के एक छोटी सी सिटी हरदोई से वापस आ रहा हूँ दिल्ली में। और इस ट्रैवल में मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि जो हमारी रेलवे है, जो हमारी गवर्नमेंट है, वो सही स्टेप्स, सही प्रिकॉशंस ले रही है कि नहीं ले रही है आम जनता के लिए। वहाँ पे सैनिटाइजेशन हो रही है कि नहीं हो रही है सीट्स पे, लोगों ने मास्क लगा रखा है नहीं लगा रखा, टीटी आके चेक कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, लोगों ने मास्क लगा रखा है नहीं लगा रखा, या फिर प्रॉपर सैनिटाइजेशन के लिए कुछ रखा हुआ है नहीं रखा हुआ, बार बार सीट जब बंदे चेंज हो रहे हैं तो क्या सैनिटाइजेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो मैं यही इस वाली वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ और ये वाली वीडियो आप एंड तक देखना प्लीज़, ताकि आपको भी समझ आए कि हमारे सिस्टम में कहाँ पर कमी है और कहाँ पर गवर्नमेंट हमें धोखा दे रही है या हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं प्रिकॉशंस ना लेके। तो इस वाली वीडियो में बने रहें, चलिए शुरू करते हैं। सो जैसे ही मैं रेलवे स्टेशन के अंदर घुसता हूँ, प्लेटफॉर्म पे आता हूँ, मैं देखता हूँ कि बहुत सारे लोगों ने मास्क नहीं लगा रखा है, इवन तक कि वहाँ के पुलिस वालों ने भी मास्क नीचे करके लगा रखा है या फिर नहीं लगा रखा है। आप देख लेना फुटेजेस में, आपको दिखते चले जाएंगे कि कहाँ पे मास्क नहीं लगे हुए हैं। मैं स्पॉट भी कर दूंगा जहाँ पे स्पॉट कर सकते हैं। और इवन तक कि पूरे प्लेटफॉर्म पर, मुझे लगता है कि प्लेटफॉर्म की एंट्री पे ही सैनिटाइजेशन के लिए कुछ ना कुछ रखा होना चाहिए, और वहाँ पर सैनिटाइजेशन के लिए कुछ भी नहीं रखा है प्लेटफॉर्म की एंट्री पे, ताकि जो आ रहा है वो सैनिटाइज करके तो कम से कम अंदर घुसे प्लेटफॉर्म के, बट वहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं रखा हुआ था। दूसरा, हम थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते रहेंगे तो आप देखते रहोगे कि लोग नीचे ही बैठे हुए हैं, कोई कुछ नहीं, साफ सफाई नहीं बिल्कुल भी, मतलब कोई ऐसा लग ही नहीं रहा कि कोविड है, मास्क नीचे है, कुछ मतलब कुछ भी प्रॉपरली नहीं है। और ये इमरजेंसी ट्रेवल्स में नहीं रहती, पूरी की पूरी ट्रेनें भरी हुई थी, सीट भी खाली, ये मान लो कि इक्का दुक्का सीट खाली थी, वैसे पूरी सीटें लगभग भरी हुई जा रही थी, जब तक मैंने देखा सीट भरी हुई थी। और ऐसा कोई, और जब हम रेलवे की साइट खोलते तो वहाँ पे कुछ ऐसा नेसेसरी नहीं लिखा हुआ था कि आपको ये कैरी करना ही करना है और ज़्यादा कुछ, या फिर पूरा सैनिटाइज, पूरा मास्क 24 घंटे लगा के रखना है, ऐसा कुछ भी लिखा हुआ भी नहीं था वहाँ पे। तो मैं इसमें गवर्नमेंट की भी गलती नहीं कहूँगा और मैं इसमें आम आदमी की भी गलती नहीं कहूँगा, क्योंकि आम आदमी पे सख्ती तब होती है जब गवर्नमेंट करती है, और आम आदमी जब अपनी ही रक्षा नहीं करना चाहता, जब अपने बारे में नहीं सोच रहा, गवर्नमेंट भी क्या करे। तो इसमें दोनों की ही गलती है, हम दोनों तरीके से ही देख रहे हैं कि दोनों की ही गलती हो रही है, तो हमें दोनों ही गलतियाँ सुधारनी है, हमें अपने आप में सावधान रहना है। मैंने पूरी ट्रेन, यानी कि मेरा 8 घंटे का सफ़र था, मैं 11 बजे निकला था, तो मैं सुबह के 6:30 पहुँचा था, तो मेरा 7-8 घंटे का जो सफ़र था, इसमें मैंने 24 आवर्स मास्क लगा के रखा हुआ था। मेरे तो बगल, मेरी जो बर्थ थी उसके बगल में पुलिस वाला लेटा था, वो मेरी बर्थ पे आके लेटा हुआ और मुझसे बहस करा, भैया ऊपर चले जाओ, नीचे चले जाओ। मेरी क्या बात होती है, आप पुलिस वाले, आपको खुद ही नहीं वो हो रहा है कि क्या कहते हैं कि आप कैसे बात कर रहे हैं आम जनता से, और उसने खुद भी मास्क नहीं लगा रखा था, बर्थ उल्टा मुंह होकर करके सो रहा, मास्क भी नहीं लगा रखा है उसने। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमें ध्यान देनी पड़ती हैं। अब मैं ट्रेन के अंदर घुसता हूँ तो ट्रेन के अंदर क्या होता है कि भाई सब भीड़ घुस रही है अंदर, पूरी की पूरी इधर उधर हो रहा है, यहाँ ये सीट है, वो सीट है, कोई भी कोविड का वो नहीं है कि थोड़ा दूर दूर से रह के देख लें एक बार, ठीक है ट्रेन ही तो है, थोड़ा पीछे होकर देख लो, बट जगह है, अंदर घुस गए हो, थोड़ा दूर दूर से देख लो, बट नहीं हमारी सीट ये है, हमारी सीट वो है, हमारी सीट ये है, और कोई भी सैनिटाइज करके सीट को यूज़ नहीं कर रहा। मैं जैसे अपनी बर्थ पे गया, मैंने पूरी सीट को सैनिटाइज किया ढंग से, अपने अगल बगल की विंडो को भी सैनिटाइज किया, ऊपर नीचे आ जाएगा सैनिटाइज करके, तब अपना एक चादर बिछा के अपना मैं आराम से अपनी सीट पे लेटा और बैठा, जो भी मैंने किया। और आम आदमी, मैंने स्लीपर की टिकट इसलिए ली थी क्योंकि तो ए सी में सबसे पहले कोविड फैलता है, अगर बाई चांस किसी को भी कोविड है तो सबसे पहले ए सी में फैलेगा। और दूसरी सबसे बड़ी बात, रेलवे ने किसी के भी कोविड की नेगेटिव रिपोर्ट्स नहीं मांगी, ये तो बहुत गलत बात है। अगर किसी को कोविड और वो ट्रेन में ऐसे ट्रैवल कर रहा है तो ये तो बहुत ही ज़्यादा गलत हो जाएगा कि आपने अपनी कोई नेगेटिव रिपोर्ट नहीं दी और आप ट्रेन के अंदर घुस गए और आपको बाई चांस कोरोना, तो कितने भी लोग हो तो सब एक साथ ठुस हो जाएगा मामला। तो ये भी एक गलत बात है, ये भी एक पॉइंट रखना चाहिए रेलवे को, और कोविड के नेगेटिव फॉर्म्स के बिना टिकट देनी ही नहीं चाहिए मेरे हिसाब से, तो मेरा तो मानना ये है। जो भी है आगे चलते, तो आगे आप देखोगे कि मैंने सीट पे, मैं जाके देख रहा हूँ, मैं थोड़ा सा अंदर ट्रेन में देख रहा हूँ लोग कैसे हैं, तो सारे लोग बर्थ पे लेटे हुए हैं, कुछ ने मास्क नीचे करके रखा हुआ है, कुछ ने मास्क ऊपर करके रखा हुआ है, कुछ ने मास्क लगा ही नहीं रखा है। और पूरा 8 से 9 घंटे का सफ़र बीत गया, टीटी एक बार भी नहीं आया कि एटलीस्ट कोई कोविड की फॉर्म नहीं, एटलीस्ट कम से कम एक टिकट चेक करने ही आ जाता कि सबके पास टिकट तो है एटलीस्ट, कि टिकट ही नहीं है तो कोई टिकट चेक करने भी नहीं आया टीटी। तो ये भी गलत बात है भाई, कुछ भी आप देख ही नहीं रहे, कुछ भी कोई फॉर्म नहीं है। ट्रेन के अंदर भी घुसने के हर गेट पे कम से कम एक सैनिटाइजर ही होना चाहिए, एटलीस्ट अगर सीट सैनिटाइज नहीं कर रहे तो
ट्रेन के अंदर जो आदमी घुसा वो तो सैनिटाइज करे घुसे, बट वो भी नहीं था। जहाँ पे वॉश बेसिन रखे हुए हैं वहाँ पे भी कोई ढंग से ना साबुन ना कुछ कुछ भी नहीं, जीरो जीरो मार्किंग। और ट्रेन की टिकट भी कुछ ज़्यादा महंगी नहीं थी, 300 रुपये की टिकट थी। तो मैं मानता हूँ कि आप टिकट के प्राइस बढ़ा लो, बट ये चीज़ें तो प्रोवाइड करो ताकि आदमी सेफ तो रहे। जो भी है, जैसे भी यही था ट्रेन का पूरा सफ़र। मैं आगे जब अपने दिल्ली पहुँचता तो दिल्ली में भी ऐसे कुछ खास नहीं है, केजरीवाल जी ने कुछ खास काम कर रखा, कुछ भी नहीं है। मास्क वहाँ पे भी लोगों ने बहुत कम लगा रखे, जो भी है थोड़ा बहुत है, ज़्यादा कुछ खास है नहीं। और कोई वहाँ पे भी सैनिटाइज़र की सुविधा अवेलेबल नहीं, कुछ भी नहीं। सैनिटाइजेशन करके उतरे स्टेशन पे, स्टेशन के अंदर घुस रहे तो सैनिटाइज करके घुसे, कुछ भी ऐसा नहीं। पुलिस वाले खड़े हुए, उन सब ने मास्क, दिल्ली में यह है कि पुलिस वालों ने प्रॉपर सख्ताई कर रखी है, पुलिस वो मास्क लगवा रहे हैं, जो भी है उनका चल रहा है, पुलिस वालों का सख्ताई है दिल्ली में तो है। देखो ये तो मैं मान रहा हूँ कि जो है रियलिटी, मैं आपको बता रहा हूँ ये रियलिटी वीडियो है, तो दिल्ली में तो ये है। बट यूपी में तो मेरे को जीरो दिखा मामला, पता नहीं क्या ही कर रहे हैं यूपी की सरकार वाले, जो भी है। बाकी अब आगे देखते रहिए, बस वीडियो में यही था कि मैं आपको पूरा प्रोसेस बताने वाला था, ये पूरा अपना जर्नी बताने वाला था कि जर्नी में कि क्या है, लोग क्या कर रहे हैं कोविड के टाइम पे, कोविड को सीरियसली ले भी रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं। तो इसी के ऊपर कुछ रिलेटेड वीडियो थी, और आप जितना घर में बैठ सके घर में बैठे। मेरे को ये 10 दिन बाद में बाकी का पार्ट शूट कर रहा हूँ वीडियो को, पहले मैंने अपने को क्वारंटीन किया इस चीज़ के लिए कि मैं फैमिली मेम्बर्स के साथ जाने के लिए सेफ हूँ, कहीं मुझे इन्फेक्शन तो नहीं हो गया। क्योंकि जिस जगह से मैं आया, मेरे नाना नानी का, वहाँ भी कोविड था, वहाँ ऑलरेडी कोविड था, बट या मुझे कोई साइन एंड सिम्टम्स बिल्कुल भी नहीं थे, जीरो था, ना खांसी जुकाम कुछ भी नहीं। इसलिए मैंने ये ट्रैवल किया क्योंकि वापस आना ज़रूरी था, वरना दिल्ली के लिए ट्रेनें काफ़ी टाइम तक बंद हो जाती। तो इसलिए मैं वापस आया, एंड देन मैंने अपने आप को थोड़ा सा आइसोलेट किया, और मैं अभी भी फिट एंड फाइन हूँ। क्योंकि कोविड के सिचुएशन में सबसे ज़्यादा अपने आप को सेफ रखने का एक ही तरीका है कि ढंग का खाना खाएं और फिट रहें। फिटनेस ज़रूरी है, फिटनेस के बिना काम नहीं बनेगा। आप किसी भी तरीके की एक्सरसाइज कर सकते हैं, जैसे कि आप कर सकते हैं योगा, आप कर सकते हैं रनिंग, आप कुछ भी अपने बॉडी को थोड़ा सा हेल्थ वाइज अच्छा सा करें और बढ़िया, तभी मामला बनेगा। नहीं तो अगर बाई चांस कोविड होता भी है एक फिट आदमी को, तो उसके लिए रिकवर करना बहुत ज़्यादा आसान होता है। एक नॉर्मल आदमी को अगर कोविड होता है जो एक्सरसाइज नहीं करता, जो ढंग का खाना नहीं खाता, उसकी रिकवरी रेट इतना ख़राब है, उसको रिकवर होने में इतनी दिक्कत होती है, सांस फूलना, थकावट ज़्यादा होना, खाना ढंग से ना खा पाना, चिड़चिड़ापन, ये सब मैंने देखा है अपनी फैमिली के अंदर। जो कुछ मेरे नाना के साइड के लोग थे उनके अंदर मैंने देखा। रीज़न यही है कि लोग फिटनेस की तरफ ध्यान नहीं देते, लोग खाने के खान पान की तरफ ध्यान नहीं देते, तले समोसे ये सब चीज़ें खाना लोगों को पसंद है। कभी कभार ये सब चलता है, बट हमेशा के लिए नहीं होता है। तो आप भी समझ सकते हो, और अपने आप को ध्यान रखें, सेफ रहें, फिट रहें, और इस वीडियो को शेयर करें ताकि लोग समझें कि क्या है उनकी जिम्मेदारी, और गवर्नमेंट भी समझे उनकी जिम्मेदारी क्या है। स्टे सेफ, स्टे फिट, एंड फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। फिटनेस रिलेटेड टिप्स चाहिए तो मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, जल्दी जाके नीचे डिस्क्रिप्शन में सब्सक्राइब कर दो, चैनल को लाइक कर दो, इस वीडियो को शेयर भी कर दो, इस वीडियो को प्लीज। थैंक्स फॉर वॉचिंग।